नवरात्र के दौरान देवी मंदिर में साफ सफाई और अष्टमी नवमी के दिन यहां रामायण पाठ कराए जाने को लेकर रायबरेली में समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर CDO, तहसीलों में SDM और ब्लॉक पर BDO की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। इसके तहत नगर क्षेत्र से लेकर ब्लॉक स्तर तक मंदिरों को चिन्हित कर लिया गया है और इनकी साफ सफाई का काम जारी है। इसके अतिरिक्त अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पर रामायण पाठ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अगर किसी कलाकार को बुलाया जाता है तो उसे मानदेय भी दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन स्तर से 1,00,000 रुपए दिए गए हैं। रायबरेली नगर में शिव मंदिर, किला बाजार, दुर्गा मंदिर, PWD कॉलोनी को चिन्हित किया गया है, जबकि अन्य तहसीलों में व ब्लॉक में एक एक मंदिर को चिन्हित किया गया है। S7 के लिए नीरज श्रीवास्तव के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। इसमें संस्कृति विभाग से प्राप्त निर्देश अनुसार जो कार्यक्रम हो रहे हैं विभिन्न जगहों पर पूरे जिले में, उसमें हम लोगों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करानी है कि वहां पर लोगों के जन सुविधाओं के दृष्टिगत सभी चीज़ें सुचारू रूप से होती रहें। और जहां पे कलाकारों द्वारा कोई प्रस्तुति होगी उसके लिए 1,00,000 रुपये जनपद को मिला है, तो उसमें जहाँ जहाँ पे इस तरह के प्रस्तुतिकरण होंगे उसमें CDOs आपके माध्यम से इसको सुनिश्चित कराया जाएगा। और सभी जगहों के मंदिर, सभी पूरे ज़िले में अलग अलग क्षेत्रों का ब्लॉक वाइज चयन विभिन्न मंदिरों का करके, सबसे बातचीत करके जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको हम लोग अच्छे ढंग से शासन के निर्देश अनुसार संपन्न करा रहे हैं।